नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। आज हम आपको एक ऐसा टेक्निकल वीडियो बताएंगे जिसमें आप अक्सर ये इशू फेस करते होंगे कि अगर आपका फाइल सिस्टम किसी भी ड्राइव का NTFS है तो आप उसको FAT32 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बिना कोई डेटा को लॉस किए हुए। ओके, तो आज मैं आपको आज ये लैब में बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी फॉर्मेटेड NTFS पेन ड्राइव हो या कोई हार्ड ड्राइव हो उसको आप कैसे FAT32 में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे जनरली आप FAT32 टू NTFS कन्वर्ट कर पाते हैं कन्वर्ट कमांड के थ्रू, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। वैसे मैं इस वीडियो में भी रिकॉर्ड कर दूंगा आपके लिए ताकि आपको दूसरी वीडियो पे जाना ना पड़े। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि NTFS से पेन ड्राइव NTFS टू FAT32 अगर हमें फाइल सिस्टम चेंज करने हैं तो हमें क्या करना चाहिए बिना कोई डेटा को लॉस किए हुए। ओके, आइए चलिए देखते हैं लैब। थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे NTFS से FAT32 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की जो डॉस कमांड है, कन्वर्ट कमांड, जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में बताया कि माइक्रोसॉफ्ट की डॉस कमांड जो है कन्वर्ट कमांड, वो FAT32 से NTFS में कन्वर्ट कर पाती है, लेकिन NTFS से FAT32 में कन्वर्ट नहीं कर पाती है। क्या हो जब पोर्टेबिलिटी कंसर्न हो, मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ कि NTFS फाइल सिस्टम कब यूज करना चाहिए, FAT32 फाइल सिस्टम कब यूज करना चाहिए, इसकी हमारे चैनल पे दूसरी वीडियो है। आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कब NTFS फाइल सिस्टम रखने चाहिए किसी ड्राइव के ऊपर, डिस्क के ऊपर, या हमें FAT32 फाइल सिस्टम रखनी चाहिए। ओके, बस मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे अगर कोई डिस्क या ड्राइव NTFS फाइल सिस्टम फॉर्मेटेड है और उसके अंदर से अगर कोई डेटा भी बिलोंग कर रही है तो बिना डेटा को लॉस किए हुए आप NTFS से FAT32 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, NTFS से भी FAT32 में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैं बताया पिछली वीडियो में CMD पे, जैसा कि आप देखे थे कि कन्वर्ट कमांड जो है माइक्रोसॉफ्ट की कन्वर्ट कमांड, वो अनेबल है इस ड्राइव को, NTFS ड्राइव को FAT32 में कन्वर्ट करने के लिए। जैसा कि मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाऊं, /fs:NTFS, ओके, क्योंकि FAT32, क्योंकि अभी वो NTFS फाइल सिस्टम है, तो आप देख सकते हैं कि कन्वर्ट इज नॉट अवेलेबल फॉर NTFS ड्राइव। ओके, यानी कि कन्वर्ट नहीं कर सकती है कोई भी ड्राइव अगर NTFS हो उसे FAT32 में। इसके लिए दोस्तों आपके पास एक AOMEI पार्टीशन असिस्टेंट एक सॉफ्टवेयर आती है। ओके, इसे आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और देन आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है AOMEI, इसके पार्टीशन असिस्टेंट सॉफ्टवेयर हैं, इसे आप ओपन करें और देन आपको यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड में NTFS टू FAT32 कन्वर्टर जो है ऑप्शन मिलेगी, आपको यहाँ पे क्लिक करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास AOMEI पार्टीशन असिस्टेंट प्रोफेशनल एडिशन है। जैसा कि मैं इसके हेल्प में जाऊँ, अबाउट में जाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि ये पार्टीशन असिस्टेंट के प्रोफेशनल एडिशन है। इसके स्टैंडर्ड एडिशन है जो कि बिल्कुल फ्री है। आप इस स्टैंडर्ड एडिशन के सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं NTFS टू FAT32 एंड FAT32 टू NTFS कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सो आपको यहाँ पे लेफ्ट पेन में आपको यहाँ पे क्लिक करने हैं NTFS टू FAT32। ओके, और एक स्मॉल विंडो ओपन होकर सामने आएगी जहाँ पे ये मैसेज लिखा हुआ है कि NTFS टू FAT32 एंड FAT32 टू NTFS। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है क्या कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यानी आपकी जो ड्राइव है वो NTFS है या FAT32 है और आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बिना डेटा को लॉस किए हुए। ओके, सो मैं यहाँ पे NTFS टू FAT32 भी ले सकता हूँ और FAT32 टू NTFS भी ले सकता हूँ, लेकिन जैसा कि हमारा जो डी ड्राइव है वो अभी NTFS वॉल्यूम है और मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप कह सकते हैं इसे कि FAT32 में। ओके, बिना डेटा को लॉस किए हुए, तो मैं यहाँ पे ड्राइव के लिस्ट आएगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा ड्राइव डी। आपके केस में जो ड्राइव होगा वो आपको सिलेक्ट करने हैं, जो भी आप ड्राइव कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके, और देन यहाँ पे एक बार रिपेयर के लिए एक वार्निंग है। ओके, सो आप इसको इनेबल करें कि कन्वर्ट करने से पहले इसे एक बार रिपेयर कर लें। ओके, ये एक सही तरीका है। सो यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा यहाँ पे एक मैसेज आएगी, आर यू श्योर टू एग्जीक्यूट द कन्वर्जन ऑपरेशन, यहाँ पे आपको येस करने हैं। सो येस पे क्लिक करने के बाद ये बहुत ही कम टाइम लेगा और देन ये कन्वर्ट हो जाएगी NTFS से FAT32
32 में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैसेज आ चुकी है, द ऑपरेशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन फिर भी रहेगी ताकि आप अगर दूसरी कोई ड्राइव को FAT32 से NTFS या NTFS से FAT32 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप विजार्ड को नेक्स्ट करें। लेकिन हमें यहाँ पे जैसा कि नहीं करने, तो हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे। तो आपके केस में पेन ड्राइव, USB हार्ड ड्राइव या अदर कोई इंटरनल हार्ड ड्राइव जो है आपको कन्वर्ट करने हैं FAT32 टू NTFS या NTFS टू FAT32, आप इस AOMEI सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। ओके, सो इस विंडो को मैं क्लोज कर दूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डी ड्राइव जो है FAT32 में कन्वर्ट हो चुकी है और इसके अंदर से बिलोंग कर रहा जो डेटा था ये भी हमारे कंप्यूटर में ड्राइव के ऊपर बनी हुई है। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे लाइक बटन को प्रेस करें, इससे हमें मोटिवेशन फील होती है। हम लोग रोज़ाना बेसिस पे ऐसे ऐसे टेक्निकल वीडियो आपके लिए यूट्यूब के थ्रू शेयर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में जो आने वाली टेक्निकल वीडियो है उसके बारे में पता चलती रहे और आप तक पहुंचते रहें। इसके लिए साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए, अपनों के साथ शेयर करें फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के बीच में। ओके, उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। और अगर आपके मन में कोई डाउट है इस फाइल सिस्टम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और एक और बात, अगर आपको फाइल सिस्टम के बारे में अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप डीपली जाना चाहते हैं, तो हमारी दूसरी वीडियो है FAT32 एंड NTFS फाइल सिस्टम के बारे में, क्या डिफरेंसेज है, क्या होती है फाइल सिस्टम, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, कब हमें FAT32 और कब हमें NTFS यूज़ करना चाहिए, वो सारा का सारा डिस्कशन उस पर्टिकुलर वीडियो पैक में है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल है। थैंक यू दोस्तों। We'll be right back.